हैप्पी दिवाली। बच्चों, बच्चों का सबसे फेवरेट फेस्टिवल कौन सा है? यस, बिल्कुल सही पहचाना आपने, दिवाली। दिवाली की रौनक ही कुछ और होती है। नए नए कपड़े, रंग बिरंगी दिए और लाइटिंग, ढेर सारे स्वादिष्ट व्यंजन और मिठाइयाँ और ढेर सारे पटाखे। सच में दिवाली के दिन मतलब जादुई दिन। गट्टू चिंकी भी दिवाली का इंतजार कर रहे थे। दिवाली आने में 5 दिन बाकी थे, फिर भी दोनों हर रोज कैलेंडर देख देख कर बेचारे कैलेंडर को भी परेशान कर रहे थे। गट्टू चिंकी, रोज रोज देखने से दिवाली आज नहीं आएगी, पूरे 5 दिन बाद आएगी। हमारा मनचाहा दिन उसी दिन आ जाता जिस दिन हम चाहते तो कितना अच्छा होता। बस करो, सपनों की दुनिया से बाहर आओ। आज हम सब मिलकर पूरे घर की साफ सफाई करेंगे, फिर दिवाली के बहुत से व्यंजन भी बनाने हैं, शॉपिंग करनी है, बहुत सारा काम है और ये काम हम सबको मिलकर करना है। डोंट वरी मम्मी, हम तो रेडी है। फिर क्या, उस दिन मम्मी पापा और गट्टू चिंकी ने मिलकर पूरे घर की सफाई की और घर एकदम नया नया लगने लगा। घर एकदम नया नया लग रहा है। हाँ, देखकर ही मूड फ्रेश हो गया। हमारे त्योहार और परंपरा कितनी महान है। किसी भी त्योहार की शुरुआत मन की प्रसन्नता से होती है। दिवाली के दिनों में घर साफ करने की परंपरा भी प्रसन्न करने के लिए ही शुरू हुई होगी। हाँ बेटा, हमारे आसपास का वातावरण स्वच्छ और साफ सुथरा हो तो यहाँ हमारा मन लगता है। इसलिए दिवाली हो या ना हो, अपना घर, अपना स्कूल और अपना कार्यालय हमेशा स्वच्छ और सुंदर रखो। फिर एक दिन सब लोग मार्केट आए और नए नए कपड़े, ढेर सारा राशन, गट्टू चिंकी के पसंदीदा पटाखे, दिवाली के लिए दिए और सजावट का ढेर सारा सामान लाए। दूसरे दिन गट्टू और पापा ने मिलकर पूरे घर की सजावट की। आकाश कंदील और लाइटिंग से पूरा घर रंग बिरंगी रंग में रौनक हो गया। फिर गट्टू चिंकी और पापा ने मम्मी को दिवाली के ढेर सारे व्यंजन बनाने में मदद की, जैसे कि लड्डू, फरसान और ढेर सारी मिठाइयाँ। बच्चों, हमेशा याद रखना, दिवाली के पकवान बनाना सिर्फ महिलाओं का काम नहीं होता, पुरुषों को भी उनकी सहायता करनी चाहिए, क्योंकि त्योहार हम सबका है तो काम भी सभी को करने चाहिए ना। और वो दिन आ गया जिसका गट्टू चिंकी और सोसाइटी के सारे बच्चों को बेसब्री से इंतजार था। लक्ष्मी पूजा का दिन, यानी दिवाली का दिन। गट्टू चिंकी सुबह जल्दी उठकर उपटन लगाकर नहा लिए और नए नए कपड़े पहनकर तैयार हो गए। मम्मी और चिंकी मिलकर रंगोली बनाने लगी और गट्टू पापा के साथ मिलकर घर के सारे दरवाजे को आम और गेंदे के फूलों से बनाया हुआ तोरण चढ़ाने लगा। फिर मम्मी ने सबको व्यंजन परोसे। दिवाली के अवसर पर पापा के कुछ दोस्त, कलीग्स और सोसाइटी के बहुत सारे लोग और बच्चे भी आए हुए थे। फिर शाम हो गई और मम्मी पूजा की तैयारी करने लगी। माँ लक्ष्मी की स्थापना हुई। लक्ष्मी माता की मूर्ति काफी खूबसूरत और अट्रैक्टिव थी। रात हो गई और लक्ष्मी पूजा का मुहूर्त शुरू हुआ। सबने मिलकर माता लक्ष्मी का विधिवत पूजन किया। पापा ने कुछ पैसे और मम्मी ने सोने चांदी के गहने और बर्तन माता लक्ष्मी के चरणों में अर्पण किए और सबने मिलकर माता लक्ष्मी का आशीर्वाद लिया। माता लक्ष्मी धन की देवी है, सुख संपत्ति और ऐश्वर्य की जननी है। जीवन में धन उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि ज्ञान। हम मेहनत करके जो धन यानी कि पैसा कमाते हैं, उसके प्रति हमारे मन में आदर और निष्ठा होनी चाहिए, क्योंकि धन सिर्फ हमारी रोज की जरूरतें पूरी नहीं करता, बल्कि मुसीबत के वक्त सबसे अधिक काम आता है। इसलिए किसी भी प्रकार का धन क्यों ना हो, उसे सोच समझ कर इस्तेमाल करना चाहिए। लक्ष्मी पूजन करना मतलब हमारे धन के प्रति कृतज्ञ रहना और उसके उचित इस्तेमाल के लिए प्रॉमिसिंग रहना है। सब कुछ हो गया और गट्टू चिंकी के कानों ने वही सुना जो सुनने के लिए उनके कान तरस रहे थे। अरे भाई, पटाखों की आवाज, आसमान में आतिशबाजी हो रही थी। पटाखों की आवाज से पूरा शहर गूंज रहा था। गट्टू चिंकी भी अपने अपने पटाखे लेकर नीचे आए और सोसाइटी के बच्चों के साथ पटाखे उड़ाने लगे। कम आवाज वाले छोटे छोटे बम, फुलझड़ी, चक्री वगैरह बहुत से पटाखे थे उनके पास और वो उनका आनंद ले रहे थे। तभी हरी ने एक चक्री निकाली और वो बोला, अरे यार,
मेरे पास ये बड़ी वाली चक्री है, जमीन पर मजा नहीं आएगा। मैं एक काम करता हूँ, सामने जो कार खड़ी है उसके छत पर रखकर इसे सुलगाता हूँ। चक्री घूमेगी तो देखने में मजा आएगा। ए, इसका एक वीडियो बनाओ रे। फिर माचिस और चक्री लेकर हरी कार की तरफ जाने लगा कि तभी गट्टू ने उसे रोक लिया। रुक जाओ हरी। क्या हुआ गट्टू? हरी, आज लक्ष्मी पूजन है। वो कार है, मतलब हमारे ही सोसाइटी के किसी घर की वो लक्ष्मी है। अगर हम उस पर पटाखा जलाएं तो ये सिर्फ उसका अपमान नहीं है, साथ ही साथ उसको खतरा भी है। कार में डीजल पेट्रोल जैसा ज्वलनशील ईंधन होता है। गलती से भी कार ने आग पकड़ ली तो हर साल दिवाली के दूसरे दिन न्यूज चलती है, यहाँ इतना नुकसान हुआ, वहाँ उतना नुकसान हुआ। नहीं हरी, दिवाली लक्ष्मी का त्योहार है, रोशनी का त्योहार है। हमें हमारा ये त्योहार सोच समझ कर मनाना है। गलती से भी अपनी और दूसरों की जिंदगी में अंधेरा नहीं फैलाना है। सॉरी गट्टू, अच्छा हुआ तुमने मुझे रोक लिया, नहीं तो पता नहीं क्या हो जाता। चलो हम जो पटाखे बचे हैं पहले वो उड़ाते हैं, इस चक्री का क्या करना है वो बाद में देख लेंगे। फिर क्या था, हरी कार को छोड़कर वापस बच्चों में आ गया और फिर से सारे बच्चे पटाखे एंजॉय करने में खो गए। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।